हेलो स्टूडेंट्स। सो टेक्ला स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप बिल्डिंग्स को एनालाइज एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर अभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल है फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आप उसको 365 डेज के लिए ऑन एजुकेशनल लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। तो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप टेक्ला स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर को का स्टूडेंट लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना होगा। ये टेक्ला की साइट है, ये साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। आपको सिंपली यहाँ जाके इस क्रिएट योर ट्रिम्बल आईडी जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके लिए उसमें क्या होगा, एक टैब ओपन हो जाएगा। मैं पहले वाला एक जो टैब है उसे बंद कर देता हूँ। ये टैब कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे या तो अगर आपके पास गूगल है तो आप सीधा साइन इन विद जीमेल आईडी कर सकते हैं, है ना, या आपकी दूसरी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधा एक ट्रिम्बल आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जीमेल की आईडी की ज़रूरत पड़े इसमें। आप कोई भी, आपके कॉलेज की भी है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और अगर जीमेल याहू होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपल एक टेस्ट ईमेल आईडी है मेरे पास, है ना, तो वो टेस्ट ईमेल आईडी मैं यूज़ करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं पहले क्लिक करूँगा क्रिएट ट्रिम्बल आईडी पे, और ये पूछेगा आपका रीजन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपन, यूके या ऑस्ट्रेलिया। मैं एवरीवेयर एल्स कर देता हूँ, ठीक है, उसको नेक्स्ट कर देता हूँ। आप कुछ भी आपके हिसाब से जो भी आपका हो तो आप चूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांग रहा है, मैं एक बार के लिए जस्ट टेस्ट के लिए दो नाम डाल देता हूँ, जोसेफ क्लार्क करके कुछ भी, और ईमेल आईडी जो मेरी थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, आई हिट नेक्स्ट। ओके नाउ, अब जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ मेरा वेरिफिकेशन कोड क्या है। मेरे पास कोड आ गया है, मैं यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ, आल हिट सबमिट। ओके नाउ, यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू जो भी इनका रूल है उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एंड आल हिट सबमिट, ठीक है। एक पासवर्ड आप जनरेट कर दो, आपका हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको सिंपली चूज करना है आपका कंट्री, रीजन, टाइम जोन, लैंग्वेज वगैरह, आई हिट नेक्स्ट, है ना। ये बोल रहा है आपको एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है क्या, मैं अभी बाद में कर लूँगा उसके लिए, ठीक है। ये आपकी ईमेल आईडी के लिए एक सिक्योरिटी फीचर जैसा है, फ़ोन नंबर वगैरह, पिन वगैरह लगाने जैसा, ठीक है। नाउ ये जैसे ही करेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, नेम वगैरह आपका, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह, है ना। यहाँ मेन आता है प्रोफाइल टाइप में आप करना एजुकेशनल, ठीक है। आपका एजुकेशनल प्रोफाइल है, आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो या एजुकेटर हो, तो स्टूडेंट पे करते हैं। एरिया ऑफ स्टडी क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, मान के चलो सिविल कर देते हैं अभी। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है। तो मैं सिंपली डाल देता हूँ सिविल फॉर श्योर, ठीक है। कंट्री में आप जो भी आपकी कंट्री है ना, जो भी आपका है डाल देते हैं अपन, लाइक हाल फिलहाल के लिए इंडिया डाल देते हैं। फ़ोन नंबर डालो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। आप प्लीज़ इनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल अकाउंट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, तो वो आप देख लीजिएगा। आई हिट सेव। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टेक्ला स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन ऑन है, ठीक है। ऊपर क्लोज कर देता हूँ हेल्प को मैं, और यहाँ पे 365 डेज के लिए आपका सब्सक्रिप्शन है। आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। आई हैव रेड द एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, स्टार्ट, ठीक है। और ये देखो अभी इन यूज़ हो गया, चालू हो गया आपका लाइसेंस, ठीक है ना, ये एक्टिव लाइसेंस है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो एजुकेशनल प्रोडक्ट यहाँ से, जो कि हमको एक्चुअल में करना है। आप इस पर सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक करना, ओके। और अब क्या होगा, ये एक्चुअल में आपको वो सारे सॉफ्टवेयर दिखाएगा जो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से वैलिड है, ठीक है। तो पहले टेक्ला स्ट्रक्चर दिखाता है जो कि बिम है, और फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन सूट बताता है। तो हमको एक्चुअली वही देखना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर पे, और यहाँ पे नीचे डाउनलोड में डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आपको उस डाउनलोड वाली प्रोसेस के पास ले जाएगा, या इसके अबाउट है, आप सिंपली नेक्स्ट कर देना है नीचे से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 वर्जन है, आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सूट 2023 डाउनलोड करना है, 886 MB का है। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये मुझसे पूछ रहा है कहाँ डाउनलोड करना है, मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पर क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, डबल बार क्लिक करना, और बस सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप इसको नेक्स्ट कर रहे होंगे तब आपका क्या होगा, आपसे लिखा हुआ आएगा दैट इज़ टेक्ला ऑनलाइन लाइसेंस चाहिए या ऑनलाइन प्रेमिसेस लाइसेंस चाहिए। तो आप टेक्ला ऑनलाइन लाइसेंस पे क्लिक करना, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट का लाइसेंस ले रहे हैं इसलिए, ओके। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। जब आप आगे बढ़ोगे तो इसके बाद लास्ट में आपके पास एक ऐसा इंस्टॉल जब हो जाएगा आपका टेक्ला पूरा, उसके बाद क्या होगा, जब आप टेक्ला के आइकन पर डबल बार क्लिक करोगे तो आपके क्रोम से या जो भी आपका ब्राउजर है जो आप यूज़ करते हो उससे खुद ब खुद टेक्ला क्या करेगा, खुद को लॉगिन कर देगा। और आप कोशिश करना कि जो ईमेल आईडी से आपने साइन अप किया है वही ईमेल आईडी पीछे आपके ब्राउजर में आप लॉगिन करो,
ठीक है, तो आप वहाँ पे उसी को लॉगिन करना, तभी आपका स्टूडेंट लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि आप उसी ईमेल आईडी से आपको मिला है, तो पीछे भी आपकी वही ईमेल आईडी क्रोम पे लॉगिन होनी चाहिए, या क्रोम की जगह आप जो भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हो उस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे ही करोगे तो आपका टर्मिनल का ऐसा साइन पॉपअप आ जाएगा आपके सामने, वहाँ पर आप टेक्ला स्टूडेंट सेलेक्ट कर देना, आपका नीचे नाम आ जाएगा, आप सिंपली ओके कर देना, ठीक है। तो आपका ये कुछ इस तरीके से आपका एक लोडिंग स्क्रीन आ जाएगा, मैं बता देता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये आपका टेक्ला स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक टेक्ला का जो भी आपका स्टूडेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, आप इसे 365 डेज तक यूज़ कर सकते हो।